नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, इन दिनों दरगाह आला हज़रत से कई सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए निकल कर के आ रही है। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आप लोग जानते हैं कि दरगाह आला हज़रत को लेकर के तमामी तरह की इस वक्त खबरें आ रही हैं, तो तमामी लोगों को एक ख़ास मैसेज देना चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए और हर आशिक आला हज़रत को ये वीडियो देख लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, इन दिनों आला हज़रत दरगाह से कई सारी खबरें आ रही है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रहा है। आप लोगों ने देखा है फेसबुक को लेकर के या व्हाट्सअप यूट्यूब को लेकर के एक तस्वीर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि हुजूर अज़्ज़त मियाँ के दामाद के बारे में तमाम ही तरह से अलग अलग लोग बयानात दे रहे हैं। तमाम ही लोगों से और तमाम ही यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ, ये दरगाह आला हज़रत का आपसी मैटर है, इसमें लोग बीच में आने की कोशिश ना करें। मैंने देखा है कि तमाम ही तरह के लोग जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हज़रत मन्नानी मियाँ, जो कि हुजूर सरकार ताजुशरिया अलैहि रहमतो व रिजवान के भाई हैं, उनकी एक ऑडियो को जम कर के वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे व्यूज़ पाने के लिए उसको यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं कि इस तरह की खबर ख़ानदान आला हज़रत की लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और हमारे चैनल पर व्यूज़ अच्छे आएंगे और हमें TRP अच्छी मिल जाएगी। उन तमामी लोगों से गुजारिश है, ये खानका का आपस का अपना पर्सनल मसला है, तो इसको पर्सनल रहने दीजिए। हमें और आपको नहीं चाहिए कि इस मसले में बीच में आए। तो तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की खबर कोई भी सोशल मीडिया के ज़रिए से शेयर ना करें। ये ख़ानदान आला हज़रत की बात है। रही बात हुजूर मन्नानी मियाँ की, तो वो हुजूर अज़्ज़त मियाँ को, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको कुछ भी कहें, उनको किसी भी तरह से चिल्लाएं, तो इनके आपस की बात है। हमें आपको नहीं चाहिए कि इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के टाइटल या इस तरह की ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल करें। ऐसे में कुछ लोग जो मुखालिफ होते हैं, मसल के आला हज़रत से बुग़्ज़ रखते हैं, उन लोगों को हाँ ऐसे में ज़रूर मौका मिल गया है। वो लोग ऐसे में इस ऑडियो वगैरह को काफ़ी तादाद में वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम ही आशिकाने ताजुशरिया, आशिकाने आला हज़रत से गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, ख़बर को ज़्यादा हवा ना दें। ये उनका आपसी मैटर है, इंशाअल्लाह ताला वो ख़ुद ही इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तमाम ही लोगों से यही मशवरा था, जो लोग इसको आगे शेयर कर रहे हैं या यूट्यूब पर या फेसबुक पर या व्हाट्सअप पर अपलोड करना चाह रहे हैं, तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि वो इस तरह के मामले में अपनी दखलंदाजी ना करें, बल्कि ये बड़े बड़ों का मामला है, वो आपस में इसको सेटल करना अच्छी तरह से और बाखूबी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मैसेज काफ़ी पसंद आया होगा। मैसेज पसंद आया हो तो इसको अज़ीज़ दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, और मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखें।